दोस्तों राजवान सिंह मोहाली प्रॉपर्टी गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का टॉपिक फिर अपनों से बचें। इसमें दो मैं घटनाएं आपके साथ साझी करूंगा जो बिल्कुल क्लोज रिश्तेदारों के साथ ही ठगी मार ली। पहले तो मैंने लिखा भांजा ने मामा के साथ की ठगी। कोई राय सिंह नाम का बंदा फतेहगढ़ साहब जिले में अपने मामा के पास रहता था जिसका नाम चतर सिंह था। और उसने उसकी ज़मीन थी यहाँ पर चुन्नी के आसपास, तो 14 एकड़ ज़मीन मामा की इसके पास जो भांजा था इसने पावर ऑफ अटॉर्नी लेके बेचने के लिए आ गया गांव सोहाना में मोहाली के पास। तो सोहाना गांव में आया तो हम यहीं रहते हैं, तो जो हमें कागज पत्र देखने के लिए भी बुलाते हैं लोग बुला लेते हैं या आ जाते हैं हमारे पास या वैसे भी। तो जब ये बंदा लेके आया तो मेरे को किसी बंदे ने फ़ोन किया कि इस तरीके की ज़मीन है जो हमें सस्ती मिल रही है तो आप आके देख लो। तो जब हमने उसके साथ मीटिंग की तो मीटिंग में उसके पास पावर अटॉर्नी निकली। तो पावर अटॉर्नी का हमने पूछा कि भाई ये पावर अटॉर्नी है आप बेचना चाहते हो, मामा जी कहाँ रहते हैं? वो कहते हैं मामा जी खरड़ में रहते हैं, खरड़ में यहाँ से 10-12 किलोमीटर। तो हमने कहा यदि मामा जी खरड़ में रहते हैं क्या रजिस्ट्री करने के लिए मामा जी आ जाएंगे? तो कहता नहीं जी रजिस्ट्री करने के लिए नहीं आएंगे। तो हमने कहा क्या जो एग्रीमेंट है जो हम आप ले रहे हो उसके ऊपर आप साइन करवा दोगे? कहते नहीं जी। तो हमने कहा क्यों नहीं? तो हमने उसके ऊपर जैसे क्वेश्चनों की पिछाड़ की तो वो मान गया कि उसने धोखे से मामा से पावर अटॉर्नी करवा दी। तो जब हमने पूछा कि ये कैसे हो सका, कैसे पॉसिबल हुआ, तो कहता जी मैंने एक बिजली बोर्ड का कनेक्शन लेना था, बिजली का कनेक्शन लेना था, उसके लिए मामा जी को बोला कि हम जाके स्टाम्प एक लाना पड़ेगा, एफिडेविट लाना पड़ेगा, वो एफिडेविट ले आओ ताकि हमारा हम मोटर लगा सके उसमें कनेक्शन ले सके। तो वो उसका पावर अटॉर्नी ले ली एफिडेविट की बजाय और मामा जी को पता ही नहीं लगा। मामा जी को बताने की कोशिश भी की, मामा जी कहते जी आप झूठ बोल रहे हो, मेरा भांजा मेरा बच्चा है, मेरे साथ ठगी नहीं कर सकता। लेकिन जब उसको पता लगा कि ठगी होगी तो मामा जी एक महीना भी नहीं रहे और रुखसत हो गए दुनिया से। मतलब इतना बड़ा झटका लगा कि वो बंदा सहार ही नहीं पाया। सो हमने इन बातों से बचना, यार यदि कोई आपके पास साइन करवा रहा है तो उसका देखना हमने भी कहाँ पर साइन करवा रहा है, क्यों करवा रहा है, क्या इसके इंटेंशन है। यदि अच्छे तरीके से पढ़ो और उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है बंदे की, यार जो बंदा आपके साथ धोखा करने वाला है ना उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाएगा। झूठ के पाँव नहीं होते, कब नहीं होते? जब आप में दम हो, आप में क्वेश्चन दागने का दम हो, सवाल दागते रहो उसके ऊपर, एक मिनट में सीधा हो जाएगा वो। सो ये इस तरीके की ठगी हो गई, तो इस ठगी से हमने बचना है। दूसरी मैंने बठिंडा की लिखी है। बठिंडा में कोई बंदा पंजाब का बंदा अपने किसी खास बंदे को वहाँ पर ज़मीन दे के चला गया कि चलो यार तुम इसमें अपने बीज बिजाई करते रहो और इसमें अपने बच्चे पालते रहो। तो 15-20 साल से इस बंदे के पास ज़मीन थी, तो इसने पता नहीं लगा कब पावर अटॉर्नी बनवा ली और कब पावर अटॉर्नी बनवा के रजिस्ट्री अपने मतलब अपनी किसी रिश्तेदार क्लोज रिश्तेदार अपने साले के नाम पर रजिस्ट्री करवा दी। तो कब्जा पहले से था, कोई पता नहीं लगा किसी को, क्यों कब्जा यदि कब्जा चेंज होए तो भी पता लग जाता है कि यार ये बंदा नया आ गया, इसमें कब्जा भी पुराना चलता रहा। फिर पता नहीं कैसे वो NRI यहाँ पर आया, और आया तो उसने कहा कि यार चल मैं अपने इसमें कागज पत्र निकाल लूँ कि मेरे नाम पे जो है गिरदावरी वगैरह जो भी है वो है कि नहीं है। जब उन्होंने जाके रिकॉर्ड चेक किया तो उसको पता लगा कि ये तो सर 10 साल हो गए, ये 10 साल हो गए प्रॉपर्टी बिक चुकी है ये। तो उसके पाँव से नीचे से ज़मीन निकल गई बंदे के कि ये कैसे हो गया, पावर ऑफ अटॉर्नी कब हुई कैसे हुई, ये तो मतलब एक विचारने का विषय है। लेकिन इस तरीके की पावर अटॉर्नी करवा के अगला रजिस्ट्री करवा के ऊपर चला गया, चाहे कल को वो ये भी साबित कर दे कि मैंने पावर अटॉर्नी की नहीं, मैं तो यहाँ आया ही नहीं, मतलब मैं वहाँ बैठा हूँ अपने बाहर बैठा हूँ दूसरे देश में बैठा हूँ, तो यहाँ पावर अटॉर्नी कैसे, ये चैलेंज हो सकते हैं। लेकिन एक बार तो आप चक्कर में पड़ गए ना, आप जहाँ भी बैठे हो बाहर काम कर रहे हो कितना कर रहे हो, आपके हो सकता है आपने फैक्ट्री लगाई हो, आपका बहुत बड़ा बिजनेस हो, और यहाँ पर जो ज़मीन है जब आपके हाथ से चली जाती है तो फिर आपको थाने कचहरी इसमें उलझना पड़ता है। तो फिर वहाँ का छोड़ के यहाँ के लिए हो जाती हो आप, एक तो ज़मीन पल्ले से चलेगी और दूसरे नंबर पर हमें
खर्चा करना पड़ गया, कभी वकील को दे रहे हैं, कभी कहीं दे रहे हैं, कभी किसी को दे रहे हैं, कभी किसी को दे रहे हैं, इस तरीके के मतलब हमें टेंशनें बढ़ जाती हैं। दोस्तों बिवेयर द बायर, ये भी कहा जाता है कि खरीदार खबरदार रहे। अब खरीद इसमें इन दोनों में यदि खरीदार को आँच आ सकती है इसमें, क्यों? यदि ये बंदा बाहर बैठा है, ये साबित हो जाए कि रजिस्ट्री ये बंदा आके करवाई नहीं या पावर ऑफ अटॉर्नी फेक बनवा ली किसी ने, तो ये रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। बिवेयर द बायर तभी कहा जाता है, हमने बिवेयर द बायर भी करना है और अपनी प्रॉपर्टी भी बचा के रखनी है। अपनी प्रॉपर्टी हम इसी तरीके से बचा सकते हैं यदि हम सही तरीके से सही रास्ते को फॉलो करें। हमने यदि दिल्ली जाना है, चंडीगढ़ से दिल्ली 250 किलोमीटर है और बठिंडा 250 किलोमीटर है, हमने दिल्ली वाया बठिंडा नहीं जाना कि 500 किलोमीटर का सफ़र तय नहीं करना, 250 किलोमीटर 250 किलोमीटर के साथ चलना है। सो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। इस तरीके के बहुत मेरे पास कोर्ट मतलब ये ऐसे मतलब फ्रॉड केस मैंने यूट्यूब चैनल पर मेरे पड़े हैं, यदि आप देख सकते हो। सो दोस्तों इन बातों का ध्यान रखो और अपने मन की जो शांति है उसको बरकरार रखो। बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दो और कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिख देना। बहुत जल्द आपके सामने होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।